हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एंड कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, मैं विश करती हूँ अच्छे ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्टली मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं मॉर्निंग में जो है व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और सब लोग ही बिजी थे। मम्मी भी बिजी थी, हस्बैंड भी बहुत बिजी थे, इनकी मीटिंग वगैरह चलती रहती है। तो मॉर्निंग का टाइम तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ चला गया, टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है। तो दोस्तों, ये व्लॉग जो है मेरा मिनी व्लॉग होने वाला है। मैं इसमें आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो नॉर्मल मैं चाहती हूँ किसी के साथ ना हो, बट किसी के साथ हुई है, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी ना क्या हुआ था कि अमेज़ॉन से ना किसी का पार्सल आया था। तो पार्सल जो है जब आए थे तो उन्होंने उसकी पैकिंग जो निकाल कर जो है जस्ट ऐसे ही जो रैपर होता है ऊपर का, वो ऐसे ही डाल दिया डस्टबिन में। तो उनका सारा एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब चीज़ उसी में था। तो किसी ने वो देखा और उनको मतलब कि फ़ोन वोन करके परेशान करने लगे। तो जो लेडी थी ना वो बाहर थी, तो जब उनको परेशान करने लगे तो उन्होंने क्या करा, अपना स्विच ऑफ ही कर दिया। तो सेकंड नंबर भी जब उनके फ़ोन पे मतलब उस पर लिखा हुआ था पेपर पे, तो उन्होंने सेकंड फ़ोन पे जो है मतलब कि फ़ोन वोन करा होगा, जो भी कुछ करा होगा, तो घर पे उनके घर पे पहुंच गए, जहाँ पे मतलब एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ पे वो पहुंच गए। और वहाँ पे उनकी जो बेटी थी, क्योंकि वो लेडी तो बाहर थी, उनकी बेटी थी, तो बेटी से जो है वो क्या कहते हैं बोला बेटी को कि ये तुम्हारा जो है पार्सल आया है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने जस्ट देखा भी नहीं, वो बहुत बिजी थी, अपना मीटिंग वगैरह कर रही होगी, कुछ कर रही होगी नहीं पता, तो वो बहुत बिजी थी। तो उसने बोला कितने पैसे होंगे, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये जो है उस लड़की ने उस डिलीवरी बॉय को दिए थे, जो कि डिलीवरी बॉय था नहीं, एक फ्रॉड था। 5,000 रुपये दे दिए और देखा भी नहीं खोल के कि क्या आया है क्या नहीं। और जस्ट जब बाद में खोला, जब उसकी मम्मी आई लड़की की, तो उसने बोला कि मम्मी आपने कुछ मंगाया था, मैंने 5,000 रुपये पे करे। उसने कहा मैंने कोई पार्सल नहीं मंगाया था। तो जब देखा खोल के, तो उसमें जो बाहर का कचड़ा, ईंट, पत्थर, ये सब मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें थी। तो दोस्तों, मैं आपसे इसमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप कहीं से भी या कैसे भी अपना डिलीवरी मंगवाएं या अपना कुछ भी पार्सल मंगवाएं, ठीक है, तो प्लीज़ 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 उस पर अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर ना छोड़ें। ये मैं आपको बता रही हूँ और मैंने आज जो है एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया है यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।